नमस्कार, आप देख रहे हैं दौसुगम जी। यहाँ पे 30 मार्च गुरुवार, राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की 5 फटाफट बड़ी खबरें बात कर लेते हैं। राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की सबसे बड़ी खबर के साथ इस वक्त समय हो चुका है 7:30 PM और बात कर लेते हैं बड़ी खबर। एम्बुलेंस ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 15 फीट ऊंचे फ्लाई ओवर से गिरी महिला, पति पत्नी की मौत। सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बाइक सवार पति पत्नी और दादी पोते को कुचल दिया। हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। गंभीर हालात में दादी पोते को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये मामला राजस्थान के कोटा जिले का है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शादीशुदा युवक ने नाबालिग के साथ किया सुसाइड, एक ही फंदे से पेड़ पर लटके मिले। बाड़मेर में शादीशुदा युवक ने नाबालिग लड़की के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अफेयर था। नाबालिग 2 दिन से घर से गायब थी। परिजनों ने शिव थाने में किडनैपिंग और पोक्सो का मामला दर्ज करवाया था। इसी बीच युवक के एक साथ खेत में होने का जानकारी मिली। घटना जिले के मोखा ब्रामदेव नगर गांव की है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 10 जिले 3 सभा और बनेंगे। सरकार ने राम लुबाया कमेटी से मांगी रिपोर्ट। जयपुर के 2 नामों पर हो सकता है विचार और मंथन। राजस्थान में 10 नए जिले और 3 संभाग और बनाए जा सकते हैं। जिन कस्बों को जिला घोषित नहीं किया गया, वहां की जनता और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। दरअसल नए जिलों के संबंध में गठित राम लुबाया कमेटी ने सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है और कुछ जिलों और संभाग के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। इस बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक भी सीएम अशोक गहलोत और राजस्व मंत्री रामलाल जाट के बीच गुरुवार यानी आज जयपुर में होने वाली है। हालांकि 19 जिलों और 3 संभाग की घोषणा के बाद फिर से नए जिलों और संभागों की घोषित होने की संभावना है। इसको लेकर मीडिया ने जानकारी दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, डॉक्टर से मरीज इतने हुए परेशान, बिना इलाज के घर लौट रहे हैं वापिस। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सरकार और डॉक्टर आमने सामने हैं। वहीं परेशान आम लोग हो रहे हैं। डॉक्टर लगातार बिल को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इसी बीच मीडिया SMS अस्पताल जब पहुंचा तो हालात भयावह मिले हैं। एक मरीज 20 दिन से SMS अस्पताल में भर्ती था, बीमार का इलाज नहीं मिला है। आखिर परेशान होकर बिना इलाज के ही अस्पताल छोड़कर घर चला गया है। बेटे का दुख देख माँ रोने लगी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में पड़ोसी ने की स्कूल छात्रा से छेड़छाड़। जयपुर में घर में घुसकर स्कूल छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध कर शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया है। तुरंत हालांकि आरोपी को पूछताछ की जा रही है। किसी को बताने पर उसे और उसके मामी पापा को मरवाने की धमकी दी। महेश नगर थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि महेश नगर निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसकी नाबालिग बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। 21 मार्च को सुबह वह घर पर अकेली थी। स्कूल जाने के लिए नाबालिग बेटी तैयार हो रही थी। अकेला होने का पता चलने पर आरोपी पड़ोसी घर में घुस आया। घर में घुसकर आरोपी ने नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की है। विरोध कर शोर मचाने पर आरोपी पड़ोसी वहां से फरार हो गया। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 28 मार्च से हो सकती है नहरबंदी शुरू, और ऐसा ही हुआ। 60 दिन के लिए नहरबंदी हुई शुरू। 40 दिन तक नहीं आएगा जोधपुर पर पानी। इंदिरा गांधी नहर में 60 दिन तक चलने वाली नहरबंदी शुरू हो चुकी है। पंजाब और राजस्थान के हिस्से वाली नहर में इस बार तीसरे साल भी मरम्मत करवाई जा रही है। पहले इस नहरबंदी को 70 दिन तक किया जाना था, लेकिन भीषण गर्मी और आगामी दिनों में पेयजल संकट को भागते हुए इसे 10 दिन कम कर दिया गया है। 40 दिन तक जोधपुर को पीने के लिए पानी नहर और कैनाल में पॉन्डिंग के जरिए मिलता रहेगा। खास बात यह है कि पिछले 3 माह से जोधपुर हर 10 से 15 दिन में एक दिन का वाटर शॉट डाउन देख रहा है, वो अगले 1 साल तक और जारी रहेगा। इसका कारण है इंदिरा गांधी नहर में जो मरम्मत का काम चल रहा है वो 2023 तक पूरी हो जानी थी, वो अभी तक अधूरी रहेगी। ऐसे में राजस्थान और पंजाब के हिस्से में 2024 में भी मरम्मत का कार्य चलेगा और फिर 2 महीने की नहरबंदी करनी होगी। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की 5 फटाफट बड़ी खबरें।